एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके, सो वी हैव टू डिस्कस हियर कि हमने अब तक पढ़ा क्या क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे अगर जो नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे, जो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नहीं कर रहे, तो उन्हें मैं बता दूं कि अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, और वो अगर साथ के साथ चीज़ें नहीं नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ अपने क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, तो ये लेक्चर अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया? पार्टनरशिप, लेट मी, ओके, या पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, पार्टनरशिप फर्म क्या है ये देखा, पार्टनरशिप डीड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड एवरेज पीरियड। उसके बाद ये चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हो जाएंगे, एंड आई होप कि आज के लेक्चर में मैं ये सब कुछ कंप्लीट करवा दूँ। सो लेट्स मूव टू आर स्लाइड्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो मैं पहले बताना चाहूँगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, क्योंकि लास्ट में हमने एक बार तो पढ़ लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है अगर आप बिजनेस में 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आप एक पार्टनर हैं और आपने 2,000 इन्वेस्ट किए, तो आप चाहेंगे कि आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिले। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, द क्वेश्चन इज़ कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है या नहीं। अगर येस, योर आंसर इज़ येस कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट इस रेट पर चार्ज होगा, यानी कि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें हर एक पार्टनर को या फिर किसी स्पेशल पार्टनर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इन केस आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो हमने देखा ही था, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो पार्टनरशिप, नो डीड, नो इंटरेस्ट। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि हमने चलो डीड बना ली है और उसमें स्पेसिफाई भी कर दिया है कि इंटरेस्ट मिलेगा, उसके भी अलग अलग केसेस हैं। सो पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द डीड स्पेसिफाई प्रोवाइड्स फॉर इट, मतलब डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्रेडिट टू द पार्टनर्स एट द एग्रीड रेट विद द रेफरेंस टू टाइम पीरियड फॉर द विच कैपिटल मेंटेन्ड, मतलब जब तक कि एक टाइम पीरियड मेंटेन कर दिया जाएगा कि इस पीरियड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इस रेट से मिलेगा, और आप कब कब अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें स्पेसिफाई हैं, तो ठीक है। फिर आपको सिचुएशन, ये ऐसा भी दो सिचुएशन में हो सकता है, तो वो दो सिचुएशन कौन सी हैं हम देखते हैं। ओके, हम देखते हैं व्हेन द पार्टनर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट, ऐसा भी तो हो सकता है सभी पार्टनर्स ने इक्वल अमाउंट, इसने 2,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने भी 2,000 इन्वेस्ट किए, और तीसरे ने भी 2,000 इन्वेस्ट किए, सारे इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करें इन द कैपिटल, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट्स इक्वल। लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन, मैंने शायद गलत पढ़ लिया। हाँ, अगर वो अनइक्वल अमाउंट, जो मैंने टॉपिक बोला वो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में है कि अनइक्वल अमाउंट, यानी कि एक ने 2,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 1,000 कर दिए, और तीसरे ने कुछ और कर दिया, यानी कि तीनों अलग अलग करें, तीनों चारों जितने भी पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम लिमिट तो हमारी 100 है, हमें याद है, तो वो अलग अलग अमाउंट को इन्वेस्ट करें इन द कैपिटल, लेकिन उन्हें प्रॉफिट इक्वल मिल रहा हो। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख सकते हैं कि हम तो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डीड नहीं भी है तब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट, तो ठीक है। दूसरा केस है व्हेन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग इज अनइक्वल। प्रॉफिट तो वो उन्होंने कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की है वो इक्वल की है, लेकिन प्रॉफिट शेयर अनइक्वल हो, दो केस हो गए। ओके,
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये आपने देख लिया. अब केस वन. केस वन क्या कहता है जब हम. सो इन दीज टू केसेस वी हैव स्टडी अबाउट हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दी बोथ सिचुएशन दैट इज़ गिवन हेयर. ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में हम किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट सिचुएशन को पढ़ते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन एंड विथड्रॉ ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. ये तो हमने पढ़ लिया कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम एडिशन कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, यानी कि मैंने शुरू में अपनी जो कैपिटल रखी ये मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, मैंने बाद में कुछ 200 रुपए और इंक्लूड कर दिए, लेकिन ये मैंने किए अप्रैल में जाकर. ठीक से समझिएगा, अप्रैल में, लेकिन मेरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रखा है जैन से, यानी कि ओपनिंग कैपिटल 2000 और ये मैंने इंट्रोड्यूस की 200 रुपए अप्रैल में, यानी कि पहली कितने दिन थी, 2000 पे कितने दिन का कैलकुलेट होगा, जैन फैब मार्च 3 मंथ्स के लिए, और जिस रेट से भी हो 3 मंथ्स अपॉन 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, इस तरह से हो जाएगा. बट इन केस ऑफ, लेकिन ये तो 3 महीने का हुआ. और दूसरा केस, अब मेरी कैपिटल हो गई अप्रैल में आकर 2200 रुपये, यानी कि 2200. अब इस पे मुझे नेक्स्ट जितने दिन ये रही है, यानी कि जितने महीने मैंने 2200 अपनी कैपिटल रखी है, उतने दिन का कैलकुलेट करेंगे. क्लियर? ओके. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं. फॉर एग्जांपल, ए बी सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप. क्या हुआ? यस, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ब्रिंग इज रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. ठीक है, हमने देखा कि वो 3 लाख, ए बी सी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लेके आए, और उन्होंने डिसाइड किया शेयर करना प्रॉफिट को इक्वली. उन्होंने कैपिटल कैसे लेके आए, वो अलग अलग, जो फर्स्ट केस याद है जिसमें वो कैपिटल अलग अलग यानी कि अनइक्वल लेकर आए, और उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल. एंड दे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से शेयर करेंगे वो, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो कितनी कैपिटल लेके आए, क्या लेकर आए. हमें उन्हें इसी रेट पर इंटरेस्ट देना होगा. किस रेट पर? 10% पर. ये जो 10% यहाँ शो हो रहा है, इस 10% पर इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट देना है. अब वो कैसे देंगे ये मैं बताती हूँ. जैसे कि फर्स्ट के लिए, ए के लिए देखो, 3 लाख, इसने पूरे साल हमने देख लिया और कोई भी कैपिटल ये इंट्रोड्यूस नहीं की, यानी कि इसके पूरी साल कितने रहे, 3 लाख रुपए रहे. ठीक है, और ये किस रेट पर लेके आया, जो इसने 3 लाख रखे पूरे साल के लिए रखे, तो 10% इन्होंने फिक्स कर लिया अपॉन 100. ये हो गया ए का. ओके, बी के लिए क्या रहेगा, बी की कैपिटल 2 लाख इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा 10%. ओके, फॉर सी 1 लाख, जो उसकी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की ओपनिंग में, यानी कि लास्ट तक भी यही है, ओपनिंग भी यही, क्लोजिंग भी रही यही, तो 10 × 100/100. इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे. राइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि जो हमारा सेकंड केस था कि जिसमें वो कैपिटल लेकर आए इक्वल, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें या इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें अनइक्वल, ये वाला केस. तो अब हमें ये वाला केस पढ़ना है. ठीक है, देखते हैं इस केस को भी. इसमें क्या है, ए और बी जो पार्टनर है एक फर्म में, वो कैपिटल लेकर आते हैं 2 लाख और 1.5 लाख, यानी कि ए लेकर आया 2 लाख एंड बी लेकर आया 1,50,000. ठीक है, अब जो 1 लाख है उसने क्या कहा, आगे भी उसने एक बात कही कि ये तो वो ओपनिंग में लेकर आए. अप्रैल में क्या हुआ, इन अप्रैल 2016 तक ये चीज़ रही, यानी कि शुरुआत में ये कैपिटल थी. ठीक है, अप्रैल में इनका पीरियड शुरू हो रहा है, अप्रैल में ओपनिंग हमने दोनों की लिख दी होंगी, यहाँ और यहाँ, ए और बी की. अब उसके बाद जो उन्होंने फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर पढ़िए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय 1 लाख ऑन 1 अगस्त.
ए लेकर आया 1 लाख, यानी कि इसके पास पहले से 2 लाख थे और इसने 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, राइट। ठीक है, और जो बी लेकर आया, बी के पास पहले कितना था, 1,50,000। अब उसने क्या किया, इसने 1,50,000 अक्टूबर में जाके इन्वेस्ट किए, यानी कि दोनों के टाइम में भी फ़र्क है, यानी कि एक अगस्त में कर रहा है और एक अक्टूबर में। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ हमें सिंपली, वेरी सिंपल, जैसे आप मैथ में करते हो, जितने टाइम के लिए जो कैपिटल रही है उस पे अप्लाई कर दो। यानी कि ए ने ये 2 लाख पूरे साल रखे, तो ठीक है, इसके लिए पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है, 12 महीने मतलब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एनुअली दे रखा है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, 2 लाख पर 10% का इंटरेस्ट दे दो। ऐसे ही 150 पर भी 10% का इंटरेस्ट। जो इन्होंने एडिशनल अप्लाई की, वहाँ पर हमें मंथ काउंट करने हैं कि अप्रैल से लेकर आगे, सॉरी अगस्त से लेकर आगे मार्च तक कितने महीने हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 8 महीने हुए, 8/12 कर देंगे इनटू जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कर देंगे, और जो इसकी फर्दर है ये। मैंने इसमें कौन सा तरीका लगाया है कि जो कैपिटल पूरे साल रही वो उसका अलग निकाला, जो उसने फर्दर इंट्रोड्यूस की उसका अलग निकाला, और दोनों को ऐड करके ए का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं एक अलग स्लाइड पर इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए क्लियर है, जैसे ए का निकला वैसे ही हम बी के भी डेज काउंट कर लेंगे। अप्रैल से लेकर मार्च तक जो उसने कैपिटल शुरू में रखी 150, उसका हम अलग निकाल लेंगे, और जो उसने लास्ट में इंट्रोड्यूस की अक्टूबर में जाकर, अक्टूबर से काउंट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक, तो ये हुए 6 मंथ। 6 मंथ अपॉन 12 इंटू 10/100, और ये जो 150 उसने इंट्रोड्यूस किए थे वो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, व्हेन देयर आर बोथ एडिशन एंड विथड्रॉ ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, यानी कि इस बार एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल भी लेकर आए और एडिशनल उन्हों और साथ में वो विड्रॉ भी करें कुछ पैसे। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि ए 1 लाख एक पर 1 लाख रुपए लेकर भी आ रहा है और उसने बीच में ही साल में अपने 1 लाख रुपए निकाल भी लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में हमें बिल्कुल सिंपल, मतलब मैथ बहुत सिंपल है अगर उसे कॉम्प्लेक्स सोच सोच कर ना बनाया जाए। अब सीधा सा ये सोचो, उसने जितने रुपए जितने दिन के लिए लगाए उस पर इंटरेस्ट लगा दो, उतने दिन के लिए, उतने महीने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर उसने 2 लाख शुरू में लगाए थे, 3 महीने तो उसने 2 लाख रखे, तो उस पर लगा दो। अब 3 महीने के बाद जो चेंज किया, चेंज मतलब प्लस माइनस, वहाँ से जो अमाउंट निकल कर आया उस पर लगा दो, और वो भी जब तक रहा, यानी कि उसने 3 महीने तक कोई चेंज नहीं किया तो 3 महीने तक के लिए निकाल लो शुरू में, फिर उसने आगे कुछ चेंज किया तो उसके लिए निकाल लो। एक तरीका होता है ये, और एक होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक का, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये तो मैथ की तरह ही से सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी कि दो तरह से कैपिटल के दो केसेस होते हैं जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो दोनों कैप शायद केसेस आपको समझ में आए। नाउ अब ये पढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट में क्या है, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। ये जो चीज़ें मैंने पहले बताई है वो यहाँ लिख भी दी हैं, जब नोट्स प्रोवाइड होंगे तो आप पढ़ लेना कि ओपनिंग में जो चीज़ है, मतलब ओपनिंग में जितना अमाउंट है उस पर पूरे साल का रख दो, अगर उसने कुछ भी नहीं निकाला है तो। ऑन द एडिशनल कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की तो उसके ऊपर जितने टाइम के लिए इंट्रोड्यूस की उस पर कैलकुलेट कर दो। विड्रॉ किया तो विड्रॉ, अगर नॉर्मल विड्रॉ है, ध्यान रखना क्योंकि आगे ड्राइंग के भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि वो रेगुलर विड्रॉ कर रहा है या ऐसे,
तो अगर वो एक ही बार में विड्रॉ करता है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर के अलग पार्ट्स हैं, तो हम उसे कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि माइनस करके और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप जब इलस्ट्रेशन करोगे सामने, तब आपको चीज़ें कैलकुलेट करते हुए अच्छे से समझ में आएंगी। तो पक्का ये होने के बाद अपने क्वेश्चंस को करके देखना, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी सिचुएशन अलग अलग होती हैं, क्योंकि जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस की हमने, ऐसे बिल्कुल सेम रिवर्स होता है ड्राइंग के अंदर। कैपिटल हम लेकर आते हैं, ड्राइंग हम निकाल लेते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर भी हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बताया, तभी कैलकुलेट करते हैं जब, कब करते हैं, जब डीड के अंदर लिखा हो। जैसे मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ, तो आप भी ऐसे ही ट्रीट किया कीजिए कि आप सामने बैठ के सुन रहे हैं, तो यस नो की चीज़ें भी आप साथ में बोला कीजिए। उससे क्या है, रिपीटेशन से आपको साथ के साथ चीज़ें रिवाइज होंगी, ठीक है? तो मैंने अगर पूछा कि क्या होगा, तो आप बताइए कि डीड के अंदर अगर लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं चार्ज करेंगे। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर क्या है, अगर लिखा है, हमने मान लिया, क्योंकि हम तभी तो पढ़ेंगे जब लिखा है, लिखा है तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसमें भी डिफरेंट सिचुएशन है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉ एवरी मंथ, कि अगर एक अमाउंट हम हर महीने निकालें, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है कि क्वार्टरली, वो दूसरा केस है, पहले हम पहला केस ही पढ़ लेते हैं। तो वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड अटेंशन मस्ट बी पेड, तो इसमें क्या अटेंशन देने की ज़रूरत है, कि हमने जो इंटरेस्ट निकाला है वो बिगनिंग में निकाला है, यानी कि जो मंथ का एक तारीख होती है तब निकाला है, या फिर मिडल में, मिडल मतलब कि 15 तारीख को निकाला है, या फिर एंड में निकाला है, यानी कि 31 तारीख को। रेगुलर है, सबसे पहली बात कि रेगुलरली ये निकालता जा रहा है इंटरेस्ट को, वो सॉरी ड्राइंग रेगुलरली करता जा रहा है, कि अगर उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग की है तो वो 1 मई को भी करेगा, 1 जून को भी कर रहा होगा, मंथली, क्योंकि हमने क्या केस लिया है, मंथली, हर मंथ, ठीक है? तो उस केस में हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो किस डेट को निकाल रहा है। अब इनको ध्यान में तो रख लिया, अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, स्लाइड पीछे क्यों नहीं जा रहा, यस, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ ये सारी चीज़ें कि क्या होगा। ऐसा सोचो कि आशीष ने विड्रॉ किए 10,000, ठीक है, 10,000 पर मंथ वो अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, वो एक पार्टनर है किसी फर्म में, और वो हर मंथ क्या कर रहा है, 10,000 रुपये निकाल रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको कहा है उसने कि तीनों केसेस में बताओ कि वो कितना कितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? यहाँ पर उसने यही पूछा है कि एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशन, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, ओके, ठीक है? तो हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको इस पे स्लाइड पे करके दिखाती हूँ। सिचुएशन क्या क्या है, सबसे पहले वही, अगर वो बिगनिंग में निकालता है, अगर वो मिड में निकालता है, अगर वो एंड में निकालता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, बिगनिंग एंड मिडल, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर हम करेंगे अब इसको, अगर वो शुरू में निकालता है, बिगनिंग में, ठीक है, बिगनिंग के केस में क्या होगा, टोटल पीरियड इन मंथ, एक सेकेंड, इतनी गंदी राइटिंग कैसे है, या सो अगर वो बिगनिंग में निकालता है तो एवरेज पीरियड जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पीरियड ऑफ मंथ, यानी कि कितने महीने वो निकालने वाला है आगे के लिए, है ना? या तो वो 12 महीने निकाले तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, अगर
क्योंकि इसमें दे रखा है उसने पूरे 1 साल निकाले हैं, राइट। अगर वो सिर्फ 6 महीने ही निकालता या 5 ही महीने निकालता तो यहाँ वो आ जाएगा, यानी कि टोटल पीरियड इन मंथ्स कि कितने महीने उसने ड्राइंग की है। सो पीरियड मंथ इस तरह से इसको मैं लिख देती हूँ, प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, यानी कि अगर वो 12 महीने निकाल रहा है जैसा क्वेश्चन में दिया है, प्लस 1 किया अपॉन 2 किया तो क्या हो जाएगा, 6 is to 1 upon 2, यानी कि 6.5 महीने। तो हमें कैलकुलेट कितना करना है इंटरेस्ट यहाँ पर फर्स्ट केस में 6.5 महीने का। आई थिंक तब ब्राइटनेस काफ़ी कम थी तो मैंने ब्राइटनेस को सही एडजस्ट कर दिया है। सो लेट जस्ट स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। ओके सो अब क्या है, यस सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको कुछ मैंने बता दिए हैं कि आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप बार बार चीज़ें कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो क्या करो, ये चीज़ें याद कर लो कि अगर शुरू में अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या टाइम होगा, ये 12 plus 1 upon 2। कैपिटल और ड्राइंग दोनों केसेस के लिए, यानी कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं उसमें, और कैपिटल दोनों में अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है उसके लिए ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि एक पार्टनर को हम गारंटी दे दें। इन केस एनी पार्टनर हु वांट्स, कि मुझे एक मिनिमम गारंटी दे दो कि तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म के साथ मुझे आने के लिए इतनी इतनी तो अमाउंट मिलेगा, यानी कि वो हमें लग रहा है कि भाई काम का बंदा है, इसको अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लो, इससे सही काम निकल जाएगा या फिर कुछ भी। तो हमने उसे कह दिया कि ले भाई तेरे को 10,000 रुपये तो हम देंगे ही देंगे, यानी कि तेरा प्रॉफिट इतने का बन जाए तो तेरे को वैसे ही 10,000 मिलेंगे, अगर नहीं बनता तो भी इस 10,000 को हम पूरा करके देंगे। उसे क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सो अब इसको कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इसे, इट मीन्स टू अश्योर टू गिव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अ पार्टनर, ठीक है, कि उसे एक मिनिमम अश्योरेंस दे दी जाए कि इतना इतना या मिनिमम अमाउंट तुम्हें प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा। इफ़ एक्चुअल शेयर ऑफ द कैपिटल, यानी कि अगर एक्चुअल शेयर उसका कम हो जाए गारंटीड पार्टनर का जो कि गारंटी मांग रहा है, तो क्या होगा, जिसने गारंटी दी है यानी कि जो गारंटिंग पार्टनर है वो पार्टनर उसे अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देगा। यानी कि अगर दो हैं ए बी, उन्होंने कहा कि हम इसको अपने में से 50-50 कर लेंगे, अगर इसके 5,000 कम पड़े तो 2,500 तू दे दियो, 2,500 मैं दे दूंगा, ऐसी उनके बीच में कोई डील हो जाए आपस में ताकि वो सी को पूरे 10,000 कर्ज के दे सके, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसका कुछ एक क्या है, एक मेथड है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो उसमें क्या करो, आप सबसे पहले कैलकुलेट करो जो गारंटीड पार्टनर है उसका प्रॉफिट कितना बना है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट फिर देखो कि डेफिशिएंसी कितने की है, यानी कि जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बना है, जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से कितना कम है, दोनों के बीच की डेफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो कि गारंटीड अमाउंट प्लस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस, तो जो गारंटीड अमाउंट था और जो लॉस आया वो उन दोनों को क्या करो, जोड़ लो, यानी कि अब उसे इतने रुपए तो हमें देने हैं, इस तरह से कुछ भी इन दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा के और निकाल लो कि डेफिशिएंसी कितने की है। अब देखो फिर क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट, अब जो पार्टनर्स थे दोनों या तीनों जिन्होंने कहा कि हम तुझे देते हैं ये अश्योरेंस, वो क्या करेंगे, उस डेफिशिएंसी को पहले उन्होंने जो कहा होगा उस रेशो में आपस में बांट कर उसे दे देंगे और वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गारंटीड पार्टनर के अकाउंट में, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसी थी जो छूट गई थी, ये हमने शुरू में देखा था कि अगर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम लास्ट ईयर नहीं करते तो उनमें क्या होगा, इफ़ सम एरर्स
आर शोन, जैसे कि कुछ एरर्स ओमिशंस हो जाए, कोई हमने प्रॉफिट शेयर ना किया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया हो, सैलरी रेमुनरेशन ना दिए हो, या और भी एडजस्टमेंट है, तो उनके लिए हम एक एडजस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं और एक्सेस या शॉर्टेज होती है वो वहाँ पर हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ख़त्म लेक्चर, यानी कि आपका पार्टनरशिप अकाउंट यहाँ तक था। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आपको काफ़ी चीज़ें लग रहा होगा कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है वो। तो आप जब क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको तब काम आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट टू अ बिग फैट थम्स अप, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।